अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जो कि आप अक्सर पूछते हैं कि किस तरह कैसे हेल्दी नाश्ता बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि जो मैं खा रही हूँ आपको भी वो दिखाऊं। मैं जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ योगर्ट के साथ। आज मेरा मूड है खाने को, तो पहले तो जाएगा इसमें जितना आपने योगर्ट लेना है। मैं ग्रीक योगर्ट ले रही हूँ, और ग्रीक योगर्ट है, और अगर ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप नॉर्मल योगर्ट ले लो, ठीक है। मैं लूँगी 4 टेबलस्पून के करीब, जो कि इनफ है सुबह के लिए, ठीक है। अब मैं इसमें गेनोला जो है वो डालूंगी। ये इस तरह का आता है, ओट्स होते हैं इसके अंदर, पम्पकिन सीड होते हैं इसके अंदर, इसे गेनोला कहते हैं। और ये मैं इसमें बेरीज भी हैं, वाओ मैंने आज देखी, क्रैनबेरी है ये मैंने आज देखी है, ठीक है। आप ये 2 टेबलस्पून के करीब ये डालोगे, मेरे पास टीस्पून है तो मैं टीस्पून 3-4 मैंने डाले, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट। फ्रूट जो है इसमें जाएगा पीच एंड कीवी, ठीक है, जितना आपको लेना है आप इसमें डालें। मेरे पास एक्स्ट्रा है वो मैं खाली खा लूंगी, और ठहरेंगे मैं निकालूं जरा चम्मच इसका। सो यम्मी यार, मैं तो दही इसका भी खा लेती हूँ, मुझे दही से कोई मसला नहीं है। दही सुबह सुबह नाश्ते में नहीं है, आपके मैदे के लिए अच्छा है। ठीक है, और इसके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल करूंगी थोड़े से चिया सीड्स, और ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और आप लोग भी इंजॉय करें। इसके ऊपर अगर आप चाहो तो आप हनी डाल लो, अगर आपको पसंद नहीं है फीका दही, लेकिन फ्रूट का मीठा ही काफ़ी है। तो मैंने फ्रूट के साथ जब योगर्ट खाऊंगी तो नेचुरली वो उसका मीठा है, तो टेस्ट में ये बिल्कुल सही रहता है। तो मुझे दें इजाज़त और इंजॉय करें ये खूबसूरत सा जो ब्रेकफास्ट है हमारा क्विक। और जिम जाने से पहले इस तरह का ज़रूर ब्रेकफास्ट लें, या वॉक करने से पहले, या एक्सरसाइज के बाद ऐसा लें जिससे आपकी कैलोरीज जो हैं ज़्यादा बढ़े ना खाने में, खाने की वजह से जितनी आपने वर्कआउट में कैलोरीज बर्न की हैं उससे आपने आई थिंक 1/4 पार्ट जो है ना डाइट में लेना होता है कैलोरी उस वक्त जब आपने बर्न की होती हैं। तो आप मुझे दें इजाज़त और अपना ख़ास ख्याल रखें और इसको इंजॉय करें, ये बहुत ही यम है और आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा। आप कोई भी सीजनल फ्रूट डाल सकते हो इसमें, मैंगो डाल लो, पपाया डाल लो, स्ट्रॉबेरीज डाल लो, कीवी एंड स्ट्रॉबेरी, बनाना एंड कीवी, इसमें आप नट्स डाल लें। मेरे पास नट्स हैं नहीं इस वक्त, वरना मैं नट्स भी डाल लेती हूँ। अखरोट डालती हूँ, मुझे अखरोट पसंद है, ऐसे ही 2-4 अखरोट के दाने तोड़ के आप डाल लें। इसके अंदर आप खजूर डाल सकते हैं, डेट्स, इसके अंदर आप फिग्स डाल सकते हो, ड्राइड फिग्स होती हैं, 1-2 वो ले लो, फ्रेश ले लो,
जो सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है वो डालें और आप वो इसके साथ जो है एंजॉय करें दही के साथ. और मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.